हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे साइंस चैप्टर वन की सभी एक्टिविटीज़ को। तो जिनके भी पास साइंस की बुक है वो उसे प्लीज़ ओपन करके बैठें ताकि आपको सभी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं हमारी पहली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1 से। ये है कि क्या होगा जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर में। जब भी हम किसी चीज़ को एयर में बर्न करते हैं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यह एक सफ़ेद वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम या चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जलना शुरू होगा, जिससे कि हमें एक पाउडर मिलेगा। ये जो पाउडर होगा ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप आंसर ये लिख सकते हैं, जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा। और अगर इसकी केमिकल इक्वेशन पूछी जाए तो केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, Mg+O2 MgO। और यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो हमने पहले किया था कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो हमें एक येलो कलर का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कहेंगे। साथ ही हमें लेड आयोडाइड का एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। तो कुछ इसकी जो रिएक्शन होगी ये कुछ इस तरीके से होगी, केमिकल इक्वेशन, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस लेड आयोडाइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है अगर ये पूछा जाए, तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। यहाँ नाइट्रेट लेड से एक्सचेंज होकर इसने पोटेशियम के साथ अपना प्रोडक्ट बनाया है, और उसी तरह आयोडीन ने पोटेशियम से डिस्प्लेस होकर लेड के साथ अपना प्रोडक्ट बनाया है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा इस रिएक्शन में हमें एक प्रेसिपिटेट बना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट होता है जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करें और हमें एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिले, सॉलिड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहा जाता है। हमारी थर्ड एक्टिविटी, क्या होगा जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। दोस्तों, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के टुकड़ों का जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों ही रिएक्शंस बिल्कुल सेम होंगी। सबसे पहले जिंक मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, जिससे हमें जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आप हाइड्रोजन गैस के बबल्स को जिंक के टुकड़ों के आसपास निकलते हुए देख सकते हैं। साथ ही जब आप फ्लास्क को जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन करवाई थी, यदि आप उसे टच करके देखेंगे तो आपको कुछ गर्मी महसूस होगी, जिससे आपको पता लगता है कि इस रिएक्शन में हीट की इवोल्यूशन हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। साथ ही यदि रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ जिंक ने मोर रिएक्टिव होते हुए लेस रिएक्टिव
एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाया है, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो रिएक्शन जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ थी, वैसी ही रिएक्शन जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी। इसमें भी सेम जिंक हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर को डिस्प्लेस करके अपना एक अलग कंपाउंड बनाया गया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये रिएक्शन भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगी क्योंकि इसमें हीट निकलेगी और फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है कि क्या होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के सॉल्यूशन क्विक लाइम में हम पानी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे यानी कि क्विक लाइम को, तो हमें सबसे पहले मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही इस रिएक्शन में भी हीट की इवोल्यूशन होगी जिससे हमें ये पता लगेगा कि यह रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ वाइट वॉशिंग यानी कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है? पहला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, क्या होगा जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हीटिंग और बर्निंग में डिफरेंस होता है। बर्निंग का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना और हीट का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करना। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो कि हमारे होते हैं ग्रीन कलर के, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जब हम उनको हीट करेंगे तो उनका कलर चेंज होगा और वो ब्राउनिश या ब्लैक कलर के हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल डीकम्पोज यानी कि टूटना शुरू होंगे, डीकम्पोज होंगे और हमें स्मेल, जो हमें सल्फर, जलते हुए सल्फर की स्मेल भी महसूस होगी। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल डीकम्पोज होंगे जिससे हमें एक तो मिलेगा फेरिक ऑक्साइड और जो हमें स्मेल महसूस हुई थी जलते हुए सल्फर की, वो स्मेल हमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने से महसूस हुई। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल डीकम्पोज होके हमें बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब बात की जाए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ हमें देखा जाए तो ये एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसने टूट कर या डीकम्पोज होकर तीन अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जो कि बिल्कुल सेम हमारी पिछली एक्टिविटी की तरह ही है, कि क्या होगा जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को गर्म करेंगे या हीट करेंगे? तो जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं तो ये भी हमारे फेरस सल्फेट क्रिस्टल की तरह ही डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने के बाद सबसे पहले हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स या धुआं दिखाई देगा जो कि हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होगा। यदि आप अपनी नाक को इसके पास लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी इरिटेटिंग स्मेल महसूस होगी, काफ़ी जो स्मेल होगी वो काफ़ी इरिटेटिंग होगी। साथ ही जो हमें एक क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देगी, क्रैकलिंग साउंड हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से होगी। और जो ये गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप नोट कर लीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी एसिडिक नेचर की होती है और एसिड्स, आप अब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेस हमारे जो होते हैं वो रेड को ब्लू करते हैं
जबकि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। साथ ही हमें एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा, क्योंकि लेड नाइट्रेट को हीट करने से जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी तो सिर्फ एक येलो कलर का रेजिड्यू बीकर में बचेगा, जो कि हमारा होगा लेड ऑक्साइड। यदि इस रिएक्शन को लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट हीट जिस करने से डिकम्पोज हुआ, जिससे हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस मिली। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो मैंने आपको बताया ये पिछली ही टाइप की रिएक्शन है कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ने डीकम्पोज होके तीन अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, तो ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जिन्हें भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि पानी का डीकम्पोजिशन करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस से याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके हम पानी का डीकम्पोजिशन करते हैं और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि दो अलग अलग गैसेस में तोड़ते हैं, जो कि सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला हमारा H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हमारा पहला कि हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो हमारी गैस का वॉल्यूम होगा वो एक गैस में एक टेस्ट ट्यूब में तो ज़्यादा होगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वाटर में वो ऑक्सीजन से डबल होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से डबल यानी कि दुगना होगा। इसके अलावा हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जब हम जलती हुई मोमबत्ती यानी कि बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के फेस पर लेकर जाएंगे तो एक टेस्ट ट्यूब में गैस जो होगी वो फायर को जल्दी से पकड़ लेगी और हमें एक पॉप साउंड सुनाई देगा, वह जलते हुए आवाज़ करेगी और बहुत गैस ऑटोमेटिक गैस भी जलने लगेगी और पॉप साउंड सुनाई देगा, तो वो गैस हमारी होगी हाइड्रोजन। आप अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के पास यदि हम बर्निंग कैंडल ले कर जाएंगे तो वो पॉप साउंड बर्न करेगी विद ए पॉप साउंड, और दूसरा यदि हम बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन गैस के पास लेकर जाएंगे तो कैंडल और भी ज़्यादा ब्राइटली या शाइनिंग के साथ या और भी तेज़ी से जलने लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारी कैंडल और ज़्यादा ब्राइटली और ज़्यादा शाइन के साथ जलेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारी ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगी वो ये होगी कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव एंड पर कलेक्ट होगी। जो टेस्ट ट्यूब हमारी पॉजिटिव एंड एनोड पर होगी उस पर जो गैस कलेक्ट होगी वो हमारी ऑक्सीजन गैस होगी, तथा जो गैस हमारी नेगेटिव एंड यानी कैथोड पे जो टेस्ट ट्यूब है उस पर कलेक्ट होगी वो हमारी होगी हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में होगी उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से डबल होगा, साथ ही हमारी जो हाइड्रोजन गैस है इसका हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब हम बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास वाली टेस्ट ट्यूब में लेकर जाएंगे तो वह टेस्ट ट्यूब फायर को कैच करेगी तथा एक पॉप साउंड के साथ जलना शुरू हो जाएगी, और जब हम उसी कैंडल को ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो वह कैंडल और ब्राइटली शाइनी जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वह कंबशन रिएक्शन को बढ़ा देती है या एक्सलरेट कर देती है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में या सूरज की रोशनी में रख देंगे। फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड हमारा जो होता है वह वाइट कलर का होता है बिकॉज ऑफ सिल्वर। जब हम इसे सूरज की रोशनी में रखेंगे तो इसका कलर चेंज होगा और यह
ग्रे कलर का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा, ऐसा हमारा सिल्वर वाइट क्लोराइड के डीकम्पोजिशन की वजह से होगा। हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वह डीकम्पोज होगा सूरज की रोशनी में, जिससे हमें एक तो क्लोरीन गैस मिलेगी, साथ ही हमें सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। सिल्वर जो होगा हमारा ग्रे कलर का, तथा हमें जो मिलेगी वह क्लोरीन गैस। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें जो हमारा है एक सिंगल रिएक्टेंट सूरज की रोशनी में रिएक्ट करके दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात कि ये जो रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन और सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज़ हमारा फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो हमारी फोटोग्राफी होती है उसमें हमारा इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम्स में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, आप जब क्या होगा जब आप आयरन नेल्स यानी लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 20 मिनट तक बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे। तो जब हम आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 20 मिनट तक बिना डिस्टर्ब किए रखेंगे, तो सबसे पहली बात, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है, और जब हम आयरन नेल्स को इसमें रखेंगे तो सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ आयरन कॉपर सल्फेट्स में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपना नया कंपाउंड बनाएगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, साथ ही कॉपर अलग हो जाएगा। तो हमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होगा, और वो हमारा ब्लू से, क्योंकि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था, तो हमारा जो आयरन सल्फेट होगा उसका सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन। यहाँ तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। इसके अलावा तो हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब होगी, जिसमें हमने सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है और आयरन ने नहीं डाली, उस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रीनिश कलर है सॉल्यूशन का वो हमें ये बताता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस होके हमें मिला है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और ग्रीनिश कलर है फेरस सल्फेट आयन के क्रिस्टल्स के कारण, और साथ ही हमें आयरन की जो कीले हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग मिलेगी, और ये ब्राउन कोटिंग किस वजह से होगी हमारी, ये हमारी ब्राउन कोटिंग होगी कॉपर की वजह से। जो हमारी ब्राउन कोटिंग है वो कॉपर की होगी, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो डिस्प्लेस होकर आयरन नेल के ऊपर या आयरन की कील के ऊपर जमा हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, जब 3 ml सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन को 3 ml बेरियम क्लोराइड सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाएगा। जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। हमने पहले भी बात की थी कि प्रेसिपिटेट जो हमारा होता है वो हमारा वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो दो एक्वस सॉल्यूशन के आपस में रिएक्ट करने पर हमें मिलता है, और जो पानी में इनसोल्यूबल होता है। तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि हमारा होगा बेरियम सल्फेट का, साथ ही हमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। और सोडियम क्लोराइड नोट कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा NaCl, इसका दूसरा नाम है हमारा कॉमन सोल्ट, यानी कि नमक जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें कोई भी प्रेसिपिटेट मिलता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसके अलावा इस रिएक्शन में यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हुआ है, यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड्स में एक्सचेंज ऑफ एटम्स की वजह से यहाँ सोडियम ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया तथा बेरियम ने सल्फेट को डिस्प्लेस करके दो अलग कंपाउंड बनाए हैं। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम की हमारी लास्ट एक्टिविटी भी है कि क्या होगा जब हम कॉपर के पाउडर को गर्म करेंगे या कॉपर के पाउडर को हीट करेंगे।
तो फ्रेंड्स जब हम कॉपर के पाउडर को गर्म करेंगे तो कॉपर जो कि हमारा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी। वो ब्लैक कलर की लेयर हमारी होगी कॉपर ऑक्साइड की। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हमारा जो कॉपर है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जिससे हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। जो हमारे तांबे के बर्तन हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है वो हमारे कॉपर ऑक्साइड की वजह से होती है। यदि हम इसी रिएक्शन को में यानी हम अपने गर्म कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो हमें वापस से कॉपर तथा वाटर मिल जाएगा। तो ये किस टाइप्स की रिएक्शन है? पहली रिएक्शन जिसमें कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तथा हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। यहाँ दो प्रोडक्ट्स ने आपस में रिएक्ट करके दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो पहला तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। दूसरा यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और हमने अपने जब हमने चैप्टर रीड किया तो हमने पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी हमारी इक्वेशन या दूसरी रिएक्शन यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हुआ है तथा कॉपर में ऑक्सीजन का लूज हुआ है। तो यहाँ हमारा कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया तो ये हमारी रिएक्शन हुई रिडक्शन रिएक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो ये हमारी रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ हमारी सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।